प्रणाम सभी को, राम राम। आप लोग जेके मीडिया देख रहे हैं। खबर जम्मू से है। जम्मू के आरसपुरा के पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी से निकाले हुए और फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला के पार्टी के नेता डॉक्टर गगन भगत निकले 420। एक एफआईआर दर्ज हुई है आरसपुरा में। वो एफआईआर क्या है देखिए, जब विधायक ही ऐसे काम करेगा तो क्या विधायक कौन होते हैं? आम पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव। विधायकों को चुनते हैं लोग कि वो लोगों के काम करेंगे। कोई व्यक्ति अगर 420 का शिकार होगा तो वो विधायक जी उनको बचाएंगे, लेकिन यहाँ विधायक खुद ही 420 निकले तो अब आप क्या कह सकते हैं। कल एक कंप्लेन दर्ज होती है आरसपुरा में। तरुण गुप्ता जी कंप्लेन करते हैं, सन ऑफ अशोक गुप्ता, रेजिडेंस ऑफ वार्ड नंबर 2 आरसपुरा। वो आरसपुरा पुलिस स्टेशन को अप्रोच करते हैं, क्योंकि आखिरी तो जगह पुलिस स्टेशन ही है ना जहां पर लोगों को इंसाफ मिलेगा, चाहे कोई विधायक हो या कोई भी हो। 420 करेंगे तो थाने में तो दर्ज करवाना पड़ेगा केस। तो तरुण जी आरसपुरा पुलिस स्टेशन जाते हैं, और मैं धन्यवाद करूंगा पुलिस का भी, एक रिटर्न कंप्लेंट लेकर, जिसके अंदर जो कंप्लेंट है वो एक गगन भगत एक्स MLA रह चुके, बीजेपी से निकाले हुए और अभी NC के लीडर उमर अब्दुल्ला जी की पार्टी के लीडर, फारूक अब्दुल्ला जी की पार्टी के लीडर, और दूसरे इनके साथ एक और व्यक्ति है, उनका नाम है कुलबीर भगत। इन दोनों के खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है और इनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि इन्होंने 14 लाख रुपए की कोई दुकान बेची है किसी इन्हीं को, मेरे को लगता है तरुण गुप्ता जी को। और ये 14 लाख रुपए की जो दुकान बेची है उसके अब ये पेपर देने से मना कर रहे थे। अब अगर दुकान बेची हो विधायक जी ने तो ऑटोमेटिकली उसके पेपर भी देने ही पड़ते हैं। आजकल देखो ना, पीला पंजा कैसे चल रहा है, क्या पता स्टेट लैंड ही बेच गए हो, कोई बात थोड़ी है। आजकल कितनी जगह तो हुआ ऐसा, कई जगह बेचारे लोग आज परेशान हैं, कई लोगों को स्टेट लैंडें बेच दी गई, आज वो परेशान है बेचारे। तो ये कागज़ ही नहीं उनको दे रहे हैं, कागज़ का ही तो सारा आप समझते हैं, CAA में भी कागज़ ही मांगे जा रहे हैं, तो कागज़ ही नहीं दे रहे हैं ये उनको। जब कागज़ नहीं दे रहे थे तो काफ़ी देर इन्होंने भी कहा कि चलो जी विधायक जी हैं, थोड़ा सा समय देते हैं, दे देंगे कागज़ आज नहीं तो कल, लेकिन ऐसा करते करते बहुत देर हो गई। फिर तरुण जी को आखिरकार पुलिस का सहारा लेना पड़ा, उन्होंने पुलिस स्टेशन गए और पुलिस स्टेशन जाके FIR दर्ज करवाई। FIR का नंबर है 29/2023 अंडर सेक्शन 420/506/34 IPC के तहत। और फिलहाल अब मामला दर्ज हो चुका है और मामले की आगे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये NC के नेता, उमर अब्दुल्ला की पार्टी के नेता, पूर्व विधायक डॉक्टर गगन भगत जी के ऊपर FIR हुई है। वैसे पहले भी कुछ कंप्लेंट्स जा चुकी हैं और अब एक और कंप्लेंट हुई है, और इनके साथ एक और व्यक्ति जिनका नाम कुलबीर भगत, उनके ऊपर भी FIR। मैंने पहले भी कहा, विधायकों को लोग चुनते हैं कि अगर कोई व्यक्ति के साथ 420 हो रही हो तो चलो विधायक के पास जाएंगे, वो उनकी मदद करेंगे पुलिस थाने तक ले जाने में विधायक साहब, लेकिन जहां विधायक खुद ही 420 निकलें तो आप क्या कर सकते हो। तो फिलहाल डॉक्टर गगन भगत जी के ऊपर FIR दर्ज हुई। अब देखना ये है कि उमर अब्दुल्ला साहब इनको अपनी पार्टी में रखते हैं, वैसे रख भी सकते हैं, कहीं और भी लोग हैं जिनके ऊपर FIR दर्ज हैं पार्टी के अंदर, तो वो रख सकते हैं, कैसी कोई बात नहीं है। देखते हैं अब उमर अब्दुल्ला जी क्या डॉक्टर गगन भगत को अपनी पार्टी के अंदर रखेंगे, क्योंकि अब तो उनके ऊपर FIR दर्ज है 420 की दुकान बेची और उसके कागज ही नहीं दे रहे। अब देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। फिलहाल आरसपुरा पुलिस ने FIR दर्ज की है और IPC 420/506/34 के तहत, FIR नंबर 29/2023 के तहत पूर्व विधायक डॉक्टर गगन भगत जी को 420 के केस में अभी फिलहाल FIR दर्ज हुई है। देखते रहें जेके मीडिया। धन्यवाद। राम राम।